सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी है, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? जो अन्नदाता है उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए एक रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको एक रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए एक रुपया आपने नहीं दिया। देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष, मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। जो अन्नदाता है इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है, दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी देना। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। एक चांस मिलता है, आप चक्रव्यूह बना देते हो, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सिखों की बात करी जाए तो सेवा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लंगर से किसी को बाहर नहीं फेंका जा सकता है। सर इस्लाम में कोई भी मस्जिद में आ सकता है, चर्च में कोई भी घुस सकता है, संघा में कोई भी आ सकता है सर, मगर इनके चक्रव्यूह में सिर्फ 6 लोग हैं सर।